तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर जो कुछ भी पढ़ा वो बिल्कुल सही है। ये वही खबर है जिसके बारे में आप लोग काफी समय से जानना चाह रहे थे। वैसे इस खबर के बारे में अलग अलग पहलू हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन सारी चीजों के ऊपर अब मुहर लग चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस समय की ये है कि तेजस मार्क 2 की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी और जो उसका टाइम टेबल होगा वो फाइनली जारी हो चुका है और हमारी उम्मीदों से ये कई ज्यादा फास्ट होने वाला है। हम जो समझ रहे थे पहले कि इस तारीख तक ये शुरू होगा, तो असल में उस तारीख तक इसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये 50% से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। अब क्या है पूरा ये टाइम टेबल, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया था कि तेजस मार्क 2 हमारे MRFA प्रोग्राम को पूरी तरह से खा सकता है, साथ ही अगर ओर्का का साथ मिल जाता है तेजस मार्क 2 को, फिर तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल MRFA की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि जो ओर्का फाइटर जेट है वो MRFA प्रोग्राम में शामिल सभी प्रतियोगियों से सबसे ज़्यादा एडवांस होगा। तो अब हम लोग TETBF तो ऑलरेडी बना ही रहे हैं, अगर TETBF में थोड़ा सा सुधार करके हम लोग बड़ी आसानी से एयरफोर्स के इस्तेमाल लायक ओर्का बना सकते हैं। तो कहने का मतलब MRFA प्रोग्राम अगर हम लोग आज भी करते हैं और उसकी डिलीवरी जब शुरू होगी और जब खत्म होगी 114 फाइटर जेट की, उस समय तक तो हमारे पास हमारे स्वदेशी फाइटर जेट बड़ी मात्रा में आ सकते हैं, और वही पैसा जो कि हम लोग 114 फाइटर जेट विदेशी खरीदने में खर्च करने वाले हैं, उनका इस्तेमाल अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में करें एक्चुअली उसे बढ़ाने के लिए, तो और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक हम लोग हमारे सारी परियोजनाओं को कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये करी गई है हमारे साइंटिस्ट द्वारा कि सबके लिए कॉमन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया, जिससे हुआ ये कि हमारे जो 4th और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो भी काफ़ी ताकतवर हो गए। उनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका एवियोनिक्स, उनके रडार सिस्टम्स ये हमारे MCA की टक्कर के आ जाते हैं। साथ ही इन्हें डेवलप करने में जो समय लग रहा था वो भी हम लोगों ने काफ़ी बचा लिया। इसी के साथ साथ जो MCA को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये भी टाइम को काफ़ी कम कर देता है जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से फैसिलिटी तैयार की जाएगी, तो ये हमारी पुरानी फैसिलिटी जो कि तेजस के लिए रिजर्व है उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसी का परिणाम है कि 2031-32 तक 6 की 6 स्क्वाड्रन जो तेजस मार्क 2 की ऑर्डर की जाएगी भारतीय वायुसेना की तरफ से, उसे डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। और यही है टाइम टेबल। देखिए, इस समय बताया जा रहा है कि HAL भारी मात्रा में उन पार्ट्स को एक्वायर कर रहा है जो कि अलग अलग कंपनीज द्वारा तेजस मार्क 2 के लिए बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए तेजस मार्क 2 बनाए जाने हैं। तो बताया जा रहा है कि 2027 हर हाल में तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी 2027 से पहले ही इसको हम लोग पूरी टेस्टिंग कर चुके होंगे और साथ ही इसका सर्टिफिकेशन भी हम लोग तैयार कर चुके होंगे। तो वित्त वर्ष 2026-27 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होनी है, और सबसे बड़ी बात 2028 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए 2027 में हम लोग 20 की संख्या में तेजस मार्क 2 को प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो 2028 आते आते हम लोग 30 की संख्या में हर साल तेजस मार्क 2 प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये एक मैंने उदाहरण के तौर पर आंकड़ा बताया, और आंकड़ा लगभग उदाहरण के समकक्ष ही होने वाला है। लगभग 30 से 32 फाइटर जेट हम लोग हर साल मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 2 को हम लोग बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग में डालने वाले हैं, और साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो यही तो हमें चाहिए था, और ये कोई भी आकलन नहीं है। इस बार ये ऑफिशियल टाइम टेबल जारी किया गया है हमारे HAL के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें इसी टाइम टेबल के आधार पर की जाएंगी। बस यहाँ पर समस्या एक आ सकती है जिसको हम लोग बड़ी आसानी से टाल सकते हैं, और वो समस्या है हमारी एयरफोर्स के द्वारा दिया जाने वाला ऑर्डर। ज़्यादा सोचने समझने में समय ना खर्च किया जाए, और जितना हो सके उतना जल्दी शुरुआती 6 स्क्वाड्रन के लिए भारतीय वायुसेना जितना हो सके उतना जल्द HAL को ऑर्डर प्लेस कर दे। भारतीय वायुसेना जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगी, इवन ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी होगी। तो वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि 30 फाइटर जेट हर साल HAL मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। इसके लिए देखिए कि 20 की संख्या में हम लोग पहले ही इतने कैपेबल हैं कि हर साल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और जो SU-30 MKI के लिए रिजर्व फैसिलिटी थी जो कि नासिक में स्थित थी, जहाँ पर हम लोग 12 की संख्या में SU-30 MKI हर साल मैन्युफैक्चर कर पाते थे या उन्हें असेंबल कर पाते थे, उसका इस्तेमाल भी तेजस मार्क 2 की परियोजना के लिए किया जाएगा। तो इस तरह से 30 से 32 फाइटर जेट हम लोग हर साल मैन्युफैक्चर कर पाएंगे,
और अंततः 2031-32 में हम लोग इस परियोजना को पूरी तरह से वाइंड ऑफ कर चुके होंगे, यानी पूरी तरह से समेट चुके होंगे। तब तक इनका डेवलपमेंट तो हो ही चुका होगा, साथ में मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुकी होगी। इस परियोजना में इसके अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल स्क्वाड्रन की बात चल रही थी कि 4 से 5 एडिशनल स्क्वाड्रन खरीदी जाएंगी और आंकड़ा 200 के पार लगाया जाएगा, उससे पहले इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा ताकि ये ब्लॉक 2 के लेवल का हो जाए, जिसके बाद ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि तब तक भारत का जो स्वदेशी जेट इंजन है 110 किलो न्यूटन का, वो भी बनकर तैयार हो चुका होगा। तो जो ब्लॉक 2 आएंगे वो शुरुआती तौर पर ही उन्हीं इंजन के साथ आने वाले हैं, जिनकी 4 से 5 स्क्वाड्रन शामिल की जाएगी भारतीय वायुसेना में। लेकिन इससे पहले जो ब्लॉक 1 है या जो रनिंग प्रोजेक्ट है तेजस मार्क 2 का, उसकी 6 स्क्वाड्रन तो हर हाल में ली ही जाएगी। जो नहीं जानते उनके बारे में मैं बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। इसी के साथ साथ तेजस मार्क 2 के पैरेलली हमारे जो तेजस MK1 है, जिन्हें 83 की संख्या में मैन्युफैक्चर करना है, उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा 100 अलग। इसके लिए भी बताया जा रहा है कि कई सारे पार्ट्स और पैनल्स का भंडारण किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना वगैरह होती है या किसी स्पेयर पार्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो इसी भंडारण से ले लिया जाए, बाद में उन्हें अलग से मैन्युफैक्चर वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि तेजस मार्क 2 परियोजना को किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस फेस ना करना पड़े और अल्टीमेटली हम लोग सारा कॉन्सेंट्रेट हमारे तेजस मार्क 2 परियोजना पर कर सकें। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है।